वीर गति को प्राप्त होता है। वस्तुतः लक्ष्मण और मेघनाथ का यह युद्ध उनका अपना नहीं। जी अपना नाम बता दें। मेरा नाम हर्ष कुमार है। इसमें कौन सा आपका रोल है और कितने घंटे का आपका कार्यक्रम इस पे मुनक्ट पे होगा? इसमें मेरा राम का रोल है और ये 2.5 घंटे का होता है रूपक। जी कितने घंटे आपको मेहनत करनी पड़ती है इस जो है रूपक में कार्य करने के लिए? इसमें मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी करनी पड़ती है, टाइम कोई उतना वो नहीं है अंदाज, मतलब करनी पड़ती है मेहनत। तो कितने घंटे आप मेहनत करते हैं लगभग एक मानते अगर बात करें? 2-3 घंटा। यहाँ पे संडे को ही सिर्फ सिखाया जाता है? संडे रिहर्सल होता है। तो उसके बाद आप क्या घर पे भी रिहर्सल करते हैं या फिर यहीं से जो है यहाँ से करके जाते हैं? तो घर पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। पढ़ाई आपका भी चल रहा है? पढ़ाई तो दोनों के बीच कैसे सामंजस्य बैठाते हैं? पढ़ाई का समय अपना पढ़ाई करते हैं और इसके अलग टाइम पे करते हैं, तो दोनों मैनेज हो जाता है। बात करें अगर तो कहीं पूरे विश्व में बताएं, कहीं पूरे विश्व में जो है मोनो एक्टिंग पे ये नहीं होता है रूपक, तो कितना डिफिकल्ट होता है? लोग मंच से बोलते हैं, गीत करते हैं, आप उस पर एक्ट करते हैं? नहीं, ये डिफिकल्ट तो नहीं होता है क्योंकि इतना 2.5 महीना रिहर्सल चला, इसलिए डिफिकल्ट उतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है करने में, इसलिए ठीक रहता है। अपना नाम बता दें। कृष्ण कुमार मिश्रा। कृष्ण जी इस बार आप कौन सा रोल मिला है, कितने सालों से काम कर रहे हैं? हम यहाँ पे 2 साल से काम कर रहे हैं, इस बार हमें नारद का रोल मिला है। तो कितना डिफिकल्ट रहता है ये काम आप लोगों को? ये काफी डिफिकल्ट होता है क्योंकि जो बीच मंच पे और फिर जितने हमारे और वो और जितने हमारे कलाकार रहेंगे सबको हमें ही देखना है, क्योंकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो हमें पूरा मैनेजमेंट हमी को देखना है, इसलिए हमको बैठे नहीं रहना, मतलब हमको सबसे मतलब कठिन नारद का ही है। अपना क्या रोल अदा कर रहे हैं? तो कितने सप्ताह से आपको सिखाया जा रहा है? ये 2 महीने। 2 महीने पहले से? प्रतिदिन सिखाया जाता है या कि सिर्फ संडे को? नहीं, संडे को ही सिखाया जाता है क्योंकि और सबका स्कूल वगैरह भी रहता है, इसलिए सिर्फ संडे को ही सिखाया जाता है। तो एक तरफ आप लोगों का स्कूल रहता है, दूसरी तरफ आप लोगों को रोल भी अदा करना है। हाँ। तो कितना कैसे सामंजस्य स्थापित कर पाते, कितना डिफिकल्ट हो ये काम होता है? ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि पूरा एक्ट याद करना होता है, ये बहुत मुश्किल होता है, अगर हाथ थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो फिर कितने घंटे का होता है, कितने बच्चे भाग लेते हैं और किस तरह से इसको प्ले किया जाता है? यहाँ का जो रामचरित मानस पर आधारित रूपक होता है, इसे रामलीला का नाम हम नहीं देते हैं, रूपक कहते हैं। ये मात्र 2.5 घंटे में राम वन गमन से रावण वध तक की लीला दिखाई जाती है, जिसमें कि मंच पर से संवाद बोला जाता है और बच्चे जो हैं वो ग्राउंड पर एक्टिंग करते हैं। सबसे कठिन काम होता है, अगर आप स्वयं बोलकर एक्ट कर रहे हैं तब तो बहुत इजी है, लेकिन अगर दूर से कोई बोल रहा है और आप उसकी आवाज को सुनकर हूबहू एक्ट अगर कर रहे हैं तो बड़ी दिक्कत इसमें होती है, इसलिए इसका रिहर्सल 2-2.5 महीने तक किया जाता है। कुल 62 लड़के और लड़कियों को मिला के 62 पात्र हैं, 10 लोग हैं जो गायन वादन और बोलने वाले हैं, कुल मतलब 70 से 75 की संख्या होती है और बहुत अथक परिश्रम के बाद इसको दिखाया जाता है, क्योंकि मोनो एक्टिंग रामलीला BLW में नहीं, बनारस में ही नहीं, UP में नहीं, इंडिया में ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड में मोनो एक्टिंग रामलीला BLW के अलावा और कहीं नहीं होती है। तो कितना डिफिकल्ट होता है बच्चों को सिखलाना, उसको प्ले कराना, और इस समय बच्चों का पढ़ाई भी क्लास भी चलते रहते हैं, तो कैसे सामंजस्य बच्चे बैठाने का? हाँ, बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो इसके इसका रिहर्सल शनिवार और रविवार को ही हम कराते हैं, जिससे कि बच्चों को स्कूल में कोई दिक्कत आने जाने में ना हो। बाकी दिनों में मान लो विद्यालय अगर बंद भी रहता है तो काफी बच्चे ऐसे हैं जिनका शाम को कोचिंग रहता है, तो हम उनकी कोचिंग को भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे पहले पढ़ाई उसके बाद रूपक। दिक्कत इसमें सबसे बड़ी ये होती है कि हर साल लगभग 50 से 60% बच्चे बदलते रहते हैं, जो इंटर पास होके निकल गए फिर उनको हम नहीं बुलाते हैं, क्योंकि इसमें बाध्यता हमें है कि DLW या इसके इर्द गिर्द के जितने विद्यालय हैं, जिससे कि यदि कोई घटना हो जाए तो उनके घर तक हम पहुंच सकें और हमारे परिचय में वो हों, उन्हीं बच्चों को इसमें लिया जाता है। तो जब हर साल पात्र बदलता है, क्योंकि इसमें संवाद के अलावा गीत भी हैं, जितने भी एक्ट होते हैं लगभग सभी एक्ट में गीत भी सम्मिलित हैं,
इसलिए संवाद पर तो एक्टिंग करना ही करना है, इसके साथ साथ उनको उस गीत पर गाने पर भी एक्ट करना है। ये बहुत कठिन काम है, लेकिन दो डेढ़ दो महीने के अंदर अंदर बच्चे हमारे सब ट्रेंड हो जाते हैं, क्योंकि उनको स्वयं को लगन है प्रभु कार्य के लिए। अब इसमें भारतीय लोकगीत की कुल 14 विधाएं हैं, जैसे आल्हा, कजरी, पूर्वी, बिलवैया, छपरहिया, गजल, कव्वाली, इन सभी 14 विधाओं को इसमें हम सम्मिलित किए हुए हैं, जो कि कहीं किताब में अन्यत्र आपको लिखित में नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं हल्के में बता दूं कि किसी भी कार्य की शुरुआत पहले गणेश वंदना से होती है, और अगर गीत संगीत का कार्य है तो पहले निर्गुण से शुरू होता है। तो निर्गुण चूंकि अब इतने बड़े कोई हमारे यहाँ विद्वान नहीं थे कि स्वयं रचित कर लेते, लेकिन किसी न किसी गीत के बोल को, उसकी राग को लेकर के गीत बनाए जाते हैं। जैसे राम वन गमन से हम लीला को अपने प्रारंभ करते हैं, तो राम जब वन को चलते हैं तो कौशल्या माता विलाप करती हैं। अब उस पर निर्गुण हमें देना ही देना है, क्योंकि प्रथम गीत है। अब प्रथम गीत यह है कि राग उसकी ली गई थी, जो पहले प्रचलित गीत था कि भंवरवा के तोहरा संग जाई, ये तर्ज थी। इस पर हम कौशल्या की गीत को लिए कि आज मोहे राम की सुधियाई, रिम झिम रिम झिम मेघा बर से पवन बहे पुरवाई, कौन बिरिछ तरु भी जत हुई है राम लखन दुन भाई। अब एक तर्ज लिया गया है कहां से, लेकिन गीत बनाया गया है। तो ऐसे जितने भी पात्र हैं लगभग गीत सभी में है। ये गीत किसके द्वारा रचित है? पंडित राम प्रवेश तिवारी रागेश एक इंटर कॉलेज के अध्यापक थे और बहुत बड़े कवि भी थे वो, और राम विनायक सिंह हिंदी अधिकारी DLW में थे, और महेंद्र कुमार सिंह नीलम कवि भी थे। ये तीन आदमी मिलकर के शुरुआती रूपक की संरचना किए हैं, वही गीत वगैरह बनाए हैं। इसके बाद उनके न रहने पर जब से मैं संभालना शुरू किया हूँ, तो मैं YouTube से खोज खोज कर एक एक दो दो लाइन के गीत इसमें लगाना शुरू कर दिया हूँ। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।